बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ख़ास ख़ास मैं आज की जो रेसिपी है वो स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि बच्चों के स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, तो बच्चे डेली एक ही चीज़ खाना पसंद नहीं करते, इसलिए स्पेशली मैं छोटी सी और आसान रेसिपी बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि सिर्फ घर में मौजूद चंद एक इन्ग्रीडियंट से बन जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी छोटी सी वीडियो को फुल वॉच करिएगा कि आपको रेसिपी परफेक्ट समझ आ जाए। अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक फ्राई पैन में 1.25 कप पानी लिया है, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड किया है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी पीसी लाल मिर्च, एक चम्मच पिसा हुआ धनिया और आधा चम्मच चाट मसाले का पाउडर ऐड किया है, और थोड़ा सा ये नूडल्स मसाले का पाउडर ऐड किया। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ ये स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके साथ ही 1 कप का चौथा हिस्सा छाना हुआ बेसन ऐड किया है। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसमें कोई भी गुठली वगैरह, कोई भी लम्स वगैरह बाकी ना रहे। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें 1/2 कप मैंने सूजी ऐड की है। सूजी की क्वांटिटी पानी के हिसाब से ऐड करेंगे, 1.25 कप पानी था तो 1/2 कप इसमें सूजी ऐड की है। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसमें भी कोई गुठली वगैरह बाकी ना रहे। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे, थोड़ी सी चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा प्याज और 1 सब्ज़ मिर्च बारीक कटिंग करके ऐड कर दी है, साथ ही सब्ज़ धनिया भी ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स हमने तब ऐड करनी है जब हमारा ये मटेरियल रेडी होने के करीब हो। अब यहाँ पर हमारा मटेरियल तकरीबन रेडी हो चुका है, थोड़ा सा नमक मज़ीद ऐड करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए किसी भी डिश वगैरह में ऐड करेंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया दोबारा से ऐड किया है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें ब्रेड क्रम्स 2 स्लाइसेस के मैंने ऐड कर दिए हैं। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मर्ज़ी शेप दे दें, सर्कल शेप भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने डिफरेंट शेप दी है, इससे बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं। अब यहाँ पर मीडियम गर्म ऑयल में इसको स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए, दोनों साइडों को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब जो बाकी स्नैक्स बच चुके थे उनको भी कुक करने के लिए इसमें ऐड कर देंगे। तो जो हमारे फ्राई हो चुके हैं उनको हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी से हमारे आज के स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। तब तक मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ख़ास तौर पर मैं अपने व्यूवर्स की आसानी के लिए छोटी छोटी सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, ताकि मेरे व्यूवर्स आसानी के साथ और कम टाइम में, कम बजट में मुख्तलिफ सी रेसिपीज़ बना सकें। ये रेसिपी बच्चे तो क्या, बड़े भी बहुत ही शौक से खाएंगे। तो यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियोस दूसरों तक लाजमी शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट किया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।